छतरपुर से एक वीडियो सामने आया है जहां सरकारी अस्पताल में एक प्रसूता के साथ झाड़ फूंक की जा रही है। प्रसूता दर्द से कराह रही थी और उसके परिवार वाले उसकी झाड़ फूंक कराने में लगे हुए थे, लेकिन इस पर ना ही कोई डॉक्टर का ध्यान गया और ना ही अस्पताल के स्टाफ का। ईशानगर से एक प्रसूता को जिला अस्पताल में लाया गया था, वह दर्द से कराह रही थी, तभी उसके परिवार वाले एक ओझा को साथ लेकर आते हैं और फिर प्रसूता को अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे लाया जाता है, जिसके बाद अस्पताल परिसर से ओझा इस प्रसूता की झाड़ फूंक शुरू कर देता है। झाड़ फूंक चलती रहती है, लेकिन ना इस ओर डॉक्टर ध्यान देते हैं और ना ही अस्पताल का स्टाफ, यहां तक कि अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी भी मना नहीं करते हैं। जब यह बात मीडिया के माध्यम से सिविल सर्जन को दी जाती है, तब सिविल सर्जन ने पूरे मामले की जाँच के आदेश देते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और वीडियो देख के इसके बारे में विधि सम्मत कार्रवाई होगी, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं थी। मैं आज ही RMO को निर्देशित करते हुए और इस बात का करके कि किस परिस्थिति में मरीज को नीचे अस्पताल के नीचे लाया गया है और झाड़ फूंक की स्थिति क्यों इस प्रकार से अस्पताल परिसर में कराए, RMO तथा मैटर्न को इसे नोटिस जारी करेंगे और अस्पताल कैंपस में हमारे यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है और सभी लोग सभी जगह पूरी व्यवस्थाएं भी हैं, मैं इस मामले को दिखवाता हूँ। ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।